नमस्कार, वक्त है अटेंशन का और मैं हूं मनोज वर्मा। प्रदेश की भाजपा सरकार अब मिशन 2023 में जुटने जा रही है। इसी सिलसिले में पचमढ़ी में 26 और 27 मार्च को विभिन्न मुद्दों पर मंथन होगा। मध्य प्रदेश में अगला साल विधानसभा चुनाव का है, इसे लेकर अभी से विकास और कई राजनीतिक मुद्दों पर मंथन होगा। मंत्रियों के परफॉर्मेंस और वन टू वन मीटिंग की भी होगी। शनिवार को सुबह से ही मुख्यमंत्री सक्रिय हो जाएंगे। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें रोजगार विकास का एजेंडा तय होगा। आमजन से 14 मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ कई दौर की बैठकें करेंगे। राजनीति के जानकार इसे चुनाव के जोड़कर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि मंत्रियों को खास हिदायत भी दी जाएगी, साथ ही कई अन्य प्लानिंगों पर भी काम किया जाएगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में पारा भले ही ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन पचमढ़ी की वादियों में ठंडक बरकरार है। लेकिन इन ठंडी वादियों में जो चिंतन शिविर हो रहा है, उसकी गर्मी प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक महसूस की जाएगी। शिविर भले ही 3 दिन का हो, लेकिन शनिवार से इसकी औपचारिक शुरुआत होगी। इसके पहले भी पचमढ़ी चिंतन शिविरों के लिए ख्यात रहा है, लेकिन इस बार वहां से क्या निकलता है, इस पर सबकी नजर होगी। ये चिंतन बैठक खास तौर पर मिशन 2023 का रोड मैप तैयार करने के लिए हो रहा है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को ये जता दिया है कि चिंतन बैठक महज औपचारिकता नहीं है, इसलिए वे इसे हल्के में ना लें। सीएम की इस चेतावनी का मंत्रियों पर इस कदर असर हुआ कि वे होली की छुट्टियों में भी अपने अपने विभाग की फाइलें टटोलते रहे। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस चिंतन शिविर में मंत्रियों का 2 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जा सकता है। मतलब साफ है कि जो कुछ होगा वो अगले विधानसभा चुनाव के नजरिए से ही होगा। सीएम मंत्रियों को चुनाव की दृष्टि से नए टास्क भी सौंपेंगे। जनता की नब्ज टटोलने के लिए गांवों में रात रुकना अनिवार्य किया जा सकता है। प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में दौरों की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये बैठक प्रदेश के विकास के लिए है और मंथन से जो अमृत निकलेगा वो जनता के कल्याण के लिए होगा। बैठक पचमढ़ी से पहले आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वल्लभ भवन में मंत्री परिषद कक्ष में ही रखी थी। इसमें मूल रूप से रोजगार और विकास का एजेंडा जो पचमढ़ी में तय करना है, जिसमें 14 समूह उन्होंने आम जन से जुड़े हुए बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और उसके समूहों में जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, ये सभी समूह जो बनाए गए हैं 14 के 14 अपनी प्रस्तुति देंगे। इन सभी समूहों की बैठकें हो चुकी हैं। जो चिंतन होगा, मेरी मान्यता है इस चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा, जो जनता के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, विकास के लिए। वैसे चिंतन बैठक तो सरकार की है, लेकिन इसमें संगठन का दखल भी हो सकता है। संगठन के प्रमुख नेता भी इस बैठक में नजर आ सकते हैं। संगठन के लिहाज से मंत्रियों की उपयोगिता और कार्य क्षमता का आकलन कर नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कहते हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और चिंतन मनन जैसी बातें हमेशा होती रहती हैं। पहले इस बैठक के लिए कान्हा को चुना गया था, लेकिन बाद में पचमढ़ी को ही मुफीद माना गया। इस बैठक के साथ ही ये माना जा सकता है कि बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी मान रही है कि शिविर के जरिए शिवराज सरकार के नए कार्यक्रम जारी होंगे, वो पूरी तरह से चुनाव पर फोकस होंगे और आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। हालांकि कांग्रेस पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की बैठक पर सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये चिंतन बैठक कम चिंता बैठक ज्यादा है, क्योंकि एक ओर तो 2 या 3 सीएम इन वेटिंग घेराबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पत्थरबाजी के माध्यम से अपनी जमीन दोबारा तलाश करने का प्रयास कर रही हैं। मध्य प्रदेश के हालात आज चिंताजनक हैं। आर्थिक रूप से हम लोगों के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, 4थे नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। 1000 करोड़ रुपए का मंत्रालय बना है, उसको छोड़कर कभी पचमढ़ी, कभी हनुमंतिया,
तो कभी कान्हा की ओर जाकर चिंतन बैठक करने की आवश्यकता क्या है? तो इस सारी चीज़ों को भी ध्यान में देखना पड़ेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति आज किस ओर जा रही है। ये सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि इस प्रकार की बैठकों से दूरी बनाई जाए और इस प्रकार की बैठकें करके मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक बोझ न डाला जाए। कोरोना के बाद सीएम शिवराज की राजधानी के बाहर होने वाली यह अहम बैठक है। इसमें वो एक तरफ जहां मंत्रियों को रिलैक्स कराएंगे, तो वहीं एक नए टास्क के जरिए सरकार अगले 1.5 साल के कार्यक्रम तय कर देगी, ताकि चुनाव में जाने से पहले सरकार की बेहतर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार हो सके। इस चिंतन और मंथन से अमृत भी निकलेगा और विष भी। किसके हिस्से में क्या आएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ से जो भी निकलेगा, उसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। तो चिंतन मंथन हम लगातार देख रहे हैं और मंथन में अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। तो चुनाव के 1.5 साल पहले वाला ये विष किसके हिस्से में आएगा, क्योंकि अमृत के दावेदार तो सबको ही है। देखिए मनोज जी, पहली बात यह है कि मंथन होने के बाद जो है वो क्या निकलता है उस पर हम लोगों को नजर रखना चाहिए सबसे पहले तो, और उसके बाद वो विष निकलेगा या जो है अमृत निकलेगा वो भी हमें उस पर नजर रखना चाहिए। और ये बात सही है कि जब हम मंथन की बात करते हैं और समुद्र मंथन से जोड़ तो के देखते हैं, आपकी पारखी नजरों के हिसाब से आपसे पूछा है। मैं वही बोल रहा हूँ, अगली लाइन वही थी यदि आप मैं ये कह रहा हूँ कि जब समुद्र मंथन था और समुद्र मंथन में विष निकला, तो सबको मालूम था कि किसने पिया, क्योंकि भगवान शिव ने पिया था। और जब आप 15 बरस से सत्ता में हैं तो अमृत भी आपका और विष भी आपका, तो इसलिए विष्णु भी हैं, शिव भी हैं, दोनों तरफ। अरे विष्णु तो हमेशा जो है वो अमृत जो है शिव को पिलवा देते हैं और राक्षसों को विष बटवा देते हैं, वो काम विष्णु करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो विष्णु जो है वो इस बार लग रहा है कि वो मोहिनी रूप धारण करके किसी को भ्रमित करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है ना ये, कि भाई आम चुनाव तो उनके नेतृत्व में पहली बार लड़े जाना है ना, तो किसी भी नेता की योग्यता जो है उसके भाषणों से नहीं आंकी जाती, किसी भी योग्यता नेता की योग्यता जो उसकी सांगठनिक क्षमताओं से नहीं नापी जाती, आउटपुट जो चुनाव का परिणाम है वो देता है। तो जो नेता जितने आउटपुट दिलाएगा आगे के लिए उससे रास्ता खुलेगा। आज ये बात सही है कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के कोई मित्र हैं, मैं तो नाम नहीं जानता उनको कौन है वो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वेटिंग सीएम फॉर वेटिंग जो है वो कुछ लोग घेर रहे हैं। तो यदि सीएम फॉर वेटिंग और सीएम ये सब है, ये क्यों रुक जाते हैं वेटिंग में, क्यों है ये? नहीं तो एक तो अच्छी चीज है ना कि वो ये तो बता रहे हैं कि वेटिंग सीएम भी बीजेपी के ही है, कांग्रेस में वो किसी को नहीं मान रहे हैं, भले कमलनाथ कह रहे हो कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। कमलनाथ जी ने तो वेटिंग वाला खेल ही खत्म कर दिया ना, जितने भी वेटिंग वाले थे वो सोनिया जी से मिलके पावर लेके आते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर गोल हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि राजनीति में आउटपुट यही माना जाता है मनोज जी, कि जिसके राज जिसमें चुनाव जिताने की कैपेसिटी हो। और अभी केंद्रीय नेतृत्व जो है यदि पुष्कर सिंह धांगमी के चुनाव हारने के बाद भी ये सर्टिफिकेट जारी करता है कि चुनाव जिताने की इसमें क्षमता है, तो उस मायने में तो शिवराज अव्वल है ही। तो इसलिए बाकी नेताओं को चुनाव जिताने की कैपेसिटी है करके सिद्ध करना पड़ेगा, और सिद्ध जो है वो चुनाव में हो सकता है। तो ये जो मंथन का जो कार्यक्रम है, इस मंथन में आप अपने जो काम किए हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं, तो वो बुरे कामों को ढांकते हुए आप अच्छे की सर्टिफिकेट जनता से कैसे ले सकते हैं, जनता में कैसे समझा सकते हैं, ये सारा का सारा चिंतन मनन होता है। और मैं इस समय एक जमाने में मैं देखा करता था, मुझे याद है कि भाजपा वाले पूरी कोशिश करते थे और इनकी रणनीति फेल हो जाती थी, और कांग्रेस वाले कमजोर होते हुए भी रणनीति में पास हो जाते थे। आज ये विपरीत परिस्थितियां हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा में ये ताकत आ गई है कि उसकी रणनीति इतनी जबरदस्त होती है कि हारते हारता उत्तर प्रदेश जीत में बदल गया, और जीत में भी कैसा बदला, भारी भरकम वाली जीत में बदला। तो ये मुझे लगता है कि शिवराज जी के राजनीतिक पहले हम गुजरात भी देख चुके थे कि अकेले सूरत के नतीजे से बीजेपी ने गुजरात में सरकार बना ली थी।
वही बता रहे हैं कुछ, ये जो क्योंकि उनको मालूम था कि कहां जो है सेटिंग जमाई जा सकती है और कहां नहीं जमाई जा सकती। तो आप राजनीति की रणनीति और रणनीति के को जो है परिणाम नीति में बदलने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये मुझे लगता है जो चिंतन का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे चिंतनों में ऐसी बैठकों में ही संघ भाजपा ये सब अपने जो है कुछ न कुछ मुद्दे निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रहेगा और 2023 वाला जो आपने संकेत दिया है मैं उसे सहमति व्यक्त करता हूँ। तो ब्रजेश जी इतना आसान है कि एक चिंतन मिंतन दो दिन में आप एक रोड मैप तैयार कर लेंगे, अच्छा बुरा सब समझ लेंगे, कमजोरियां ताकत पहचान लेंगे और चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। देखिए इसके बाद भी और मौके दिए जाएंगे या और ऐसे अवसर हम देख सकते हैं? जो लगातार काम करते रहे उनके सामने तो अपनी कमजोरियां भी आ जाती हैं, अपनी ताकत भी आ जाती है। ये तो उन लोगों के लिए विचार करना चाहिए जो जनता के बीच में नहीं जाते, क्या मुद्दे हैं। जब हम देख रहे हैं कि भाजपा लगातार, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, चुनावी मूड में रहती है, शिवराज जी लगातार दौरे करते हैं, संगठन के अपने कार्यक्रम बनते रहते हैं, जनता के बीच में जाते रहते हैं, तो उनको अपनी कमजोरियां भी पता है और ताकत भी पता है। मनोज जी ये चिंतन मनन की जो बैठक हो रही है इसमें बाकायदा 2 साल का पिछले परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि हम क्या बेहतर कर पाए और क्या नहीं कर पाए, क्या हमारी उपलब्धियाँ हैं और क्या जनता के बीच में लेकर जाना। साथ ही नए टास्क की भी जो बात हो रही है कि नए टास्क भी दिए जाएंगे कि किस तेज़ी से आपको काम कराना है। जिस तरह से मैं पिछली कल की बात बताता हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी मुझे मिले सागर तरफ के, उन्होंने कहा कि किस तेज़ी से उन पर दबाव रहे आज की तारीख में काम समय पर पूरा करने के, कि 2023 से पहले जो काम है उनका प्रेशर, स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो किस तरह से प्रेशर है कि जल्दी से जल्द आपको करना है शिवराज जी का। तो इस तरह का प्रेशर आप देखेंगे हर विभाग का होने वाला है, क्योंकि आपको 2023 में करके दिखाना है कि हमने जो कर दिए, जो वादे किए थे, जो आप कह रहे थे, हमने पहले भी चर्चा में किया इसी मंच पर, हमने अनादि के दर्शकों को भी बताया था कि किस तरह से विधायकों से बाकायदा सुझाव मांगे गए हैं कि अपने क्षेत्र में 5-5 करोड़ के काम कराने के लिए। तो यदि वो सुझाव मांगे गए थे, बजट दे दिया बाकायदा, बजट भी मिल गया है, तो अब उनको क्रियान्वयन कराना है, तो ये सारे मुद्दों पर बात होगी। और ये जो चिंतन की बात की जा रही है तो उसमें 14 समूह बनाए गए हैं, खुद नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि 14 समूह बनाए गए हैं, और रोजगार भी एक मुद्दा रहेगा कि रोजगार पे के मामले में हम क्या कर सकते हैं बेहतर, ताकि ये ना अगले चुनाव जो आएगा उसमें कांग्रेस इसको मुद्दा ना बना सके। इसके अलावा भी हम जो बात कर रहे हैं मनोज जी कि संगठन की भी भूमिका रहेगी उसमें, जो पहले कैबिनेट की बैठक होगी उसमें संगठन के लोग भी जाएंगे, बाद में ऐसे शामिल होंगे ऐसा बताया जा रहा है, कि उसके बाकायदा दोनों मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे कि 2023 का लक्ष्य क्या होगा, हमें किन कामों को लेकर जाना है, कौन कौन से काम हमको आगे बढ़ाना। तो चुनौती, और जो आप कह रहे थे ना कि दो आपको पहले से पता नहीं होगी, आपको पता चल रही लगातार जिस तरह से समीक्षा कर रहे हैं शिवराज जी, तो उनको मालूम है कि कहाँ कमियां हैं, ये कमियां वहां बैठ के दूर कैसे की जा सकेंगी, इस पर चिंतन मनन होगा और क्या और बेहतर किए जा सकते हैं, इस तरह सुझाव भी ले आएंगे। इस बार कहा जा रहा है कि खुला मंच होगा, मतलब मंत्रियों को अपनी बात खुलकर कहने की भी वहाँ आज़ादी होगी कि बता सकते हैं कि सरकार की कमियां क्या हैं, सरकार कहाँ कम है और कहाँ बेहतर कर सकती है। तो ये भी एक बड़ी बात है मनोज जी कि यदि खुलकर आपको मौका दे, वैसे कैबिनेट की बैठक होती है एक तरह से प्रस्ताव पास हो जाते हैं, हम देखते हैं विधायक दल की बैठक होती है, आपने अपना एजेंडा बता दिया चले गए। तो इस बार जंगल में जो एक दिन की बैठक होगी उसमें बाकायदा खुलकर, क्योंकि वहाँ ना मीडिया होगा ना कोई अन्य अधिकारी होंगे, तो आप मंत्री भी खुलकर अपनी बात कह सकते हैं कि उनको प्रशासनिक क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, अफसरों से कितनी दिक्कतें आ रही हैं और क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और किन पर ध्यान देना चाहिए। वैसे दो कहावतें भी हैं कि जंगल में मंगल या जंगल में मोर नाचा किसने देना, तो शायद ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि उम्मीद की जाना चाहिए इससे आगे होगा। लेकिन शर्मा जी एक और चीज़ है कि कैलाश विजयवर्गीय खेल में राजनीति और राजनीति में खेल के लिए मशहूर हैं, तो जब वो अचानक से कहते हैं कि चुनाव शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी तंज कसा जाता है, तो इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे, इस सवाल के जवाब को लेकर क्या कहेंगे, क्या चिंतन मंथन से जोड़कर उसको देखा जाए या बीजेपी में कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए कैलाश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति जरूर देखना चाहिए, ये मेरा मानना है और मैं ये मान करके चलता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री यदि किसी होटल में पत्रकार वार्ता करता है और उसका आयोजन जो है वो एक किसी मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से कराया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में कहीं कहीं एक सवाल पत्रकारों के बीच में जरूर छोड़ता है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि आप इतना बड़ा आयोजन किया, इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुला लिए और व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई, आपने खुद महसूस किया इन सारी बातों को, उस पर तो ये हम, मतलब जो वो बहन जी जो मैं कह रहे थे, ये दोनों राजनीतिक निहितार्थ की बातें ही कर रहा हूँ मैं, ये दोनों चीज़ें साफ हो जाती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति थी और भीड़ को बढ़ाने का भी खेल जो है वो कहीं ना कहीं हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई आमंत्रित नहीं करता। देखो आप मनोज, तो ये इसको भीड़ को कौन ने बढ़ाया होगा, इस एंगल से देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई
कैलाश जी की आलोचना प्रशंसा के विषय में नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि भीड़ क्यों बढ़ गई, व्यवस्थाएं छोटी क्यों पड़ गई, कार्यालय से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी। और उसमें जो है आपने एक शब्द जरूर नहीं बोला जो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के बारे में केंद्रीय नेतृत्व ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि शिवराज जी अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। तो आप वो पहले वाला शब्द याद करिए कि राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा का ये कहे कि अभी मध्य प्रदेश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भाई निर्णय लेने की क्या जरूरत है, या शिवराज जी चल रहे हैं? आप ये भी तो कह सकते थे कि शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है और वही अगले चेहरे होंगे, लेकिन उनने ये बोल करके राजनीतिक सनसनी पैदा कर दी, जो उनका स्वभाव है। इसके बाद आप वहां देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी उनसे मिलने पहुंचे, मीडिया प्रभारी उनसे मिलने पहुंचे, दीपक जोशी उनसे मिलने पहुंचे, और आपके विश्वास सारंग जी उनसे भी थे, विश्वास सारंग जी मिलने पहुंचे, तो इससे कमल पटेल मेरे सामने नहीं आए, आगे पीछे आ गए होंगे, तो कमल पटेल आए, तो इसके राजनीतिक निहितार्थ को हम समझ सकते हैं कि ये बात कहां से कहां तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं मंथन के पहले ये लोग कोई मंथन कर रहे थे, मुझे ये लगता है कि कैलाश जी और उमा जी वो दोनों समान धरातल पर काम कर रहे हैं। उमा जी जो है वापसी के लिए काम कर रही हैं और कैलाश जी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में वापसी के लिए काम कर रहे हैं, मुझे शायद ऐसा लग रहा है। राजनीति से तो वो भी दूर हैं, दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी जैसी स्थिति हो गई ना कैलाश जी की, तो कि वो 10 बरस से तो वो नहीं है ना भाई, विधायक सांसद कहाँ है, कुछ दिनों तक विधायक थे, लंबे समय से चुनावी राजनीति से दूर है। और उनके जैसा चमकदार व्यक्ति यदि जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित नहीं है, जो 1-2-5-10 सीटों को बढ़ाने की ताकत रखता है जो आदमी, यदि मुझे लगता है कि यदि मऊ से उनको चुनाव लड़ाया जाता तो मालवा में असर अलग हो सकता था, और 5 सीट जो कम पड़ी वो नहीं पड़ती, तो उनकी जो नरेंद्र मोदी ने कहा है पिछले दिनों, तो उससे तो साफ है, या तो आप परिवार को बढ़ा लो या आप बढ़ जाओ। नहीं, वो भी एक विषय है, पर मनोज जी मैं एक बात आपके जरूर ध्यान में लाऊंगा जो मुझे लगता है कि आपकी बहस को वजन देगी, कि एक नारा पहले चलता था डेवलपमेंट, कि जो विकास करेगा वो चुनाव जीतेगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उससे 2 कदम आगे निकले हैं। आप विकास करने की बात मत करिए, समय सीमा में काम चाहिए। आप देखिए, आप गडकरी जी को देखिए, जब उनको रोड बनाना होती है तो आउटपुट समय पर लेते हैं, वो चाय का कप रख देते हैं गाड़ी में कि यदि गिरा तो मैं समझ लिया वो आप लोगों को ठीक कर दूंगा। ये जो कैपेसिटी है ये लगभग लगभग क्षेत्रों में बनती जा रही है, और इन इनके बनने का सीधा लाभ जो है वो डेवलपमेंट समय पर, काम परिणाम समय पर, और उसके बाद जनता में उसका असर हो। यदि प्रधानमंत्री आवास बनने की बात होगी तो आप मनोज जी महसूस करेंगे कि लोगों को ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री आवास बनते भी हैं और लोगों को मिलते भी हैं। पहले अपने को बहुत दिन बाद मालूम चलता था कि 100 मकान बने, लेकिन अब इतनी संख्या चुनाव में हमने असर देखा इसका, उपचुनाव में हमने जो गांव-गांव घूमे, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बस ये अंतिम ये मैं कहना चाहता हूं कि न केवल डेवलपमेंट शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वो शून्य होकर के, शोरगुल से रहित, और जो है इसके आधार पर जो है, और ये परिणाम देने वाले जो है डेवलपमेंट्स के काम किए गए हैं, जिसका सीधा असर आने वाले चुनाव के परिणामों में दिखाई दे रहा है। मनोज जी, आपने कैलाश विजयवर्य जी की बात की थी, तो उनका एक बयान और भी है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया निकल के, कि मेरे बारे में फैसला आला कमान करेगा, मतलब पार्टी के शीर्ष नेता करेंगे। तो उनके बारे में क्या, पार्टी के शीर्ष नेता तो सबके बारे में निर्णय लेते हैं और वही तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मनोज जी, एक बात जरूर बीच में मैं टोकना चाहूंगा कि मैंने मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में 3 लोगों को सुना है ऐसा। सबसे पहले सुंदरलाल पटवाजी कहा करते थे, कभी कैलाश जोशी जी ने नहीं कहा कि मेरे बारे में हाईकमान तय करता है, नेतृत्व तय करता है, वो सदैव कुछ नहीं बोलते थे, केवल सुंदरलाल पटवा कहते थे मध्य प्रदेश की राजनीति में कि मेरे बारे में हाईकमान निर्णय लेता है, नेतृत्व निर्णय लेता है। दूसरे व्यक्ति शिवराज जी है, जिन्होंने ये कहा कि मेरे बारे में तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और अब मैंने पहली बार तीसरे व्यक्ति को राजनीति में देखा है, पटवाजी, शिवराज जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने कहा कि मेरे बारे में हाईकमान निर्णय लेता है, नेतृत्व निर्णय लेता। तो इसके पीछे क्या धारणा है और क्या बनने की धारणा है, ये कहीं कहीं हमें इशारे में मिल जाती है। तो उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री रह चुके थे, एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरे कतार में तीसरे कतार में। तो ब्रजेश जी, कतार तो ठीक है, लेकिन जो बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जब बैठक लेते हैं, वीसी लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर अफसर मेरे हिसाब से नहीं चले तो जिसको अच्छा नहीं बदल दिया जाएगा। बुलडोजर भी चल रहा है, तो 2023 में क्या 2022 के यूपी चुनाव के कुछ झलक आपको दिखेगी, क्योंकि लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, महिलाओं की संख्या बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो,
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या अब जो बुजुर्गों की फिर से वापस शुरू होने वाली है जो योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन वाली, तो एक लाभार्थी वर्ग या एक हितग्राही वर्ग या एक महिलाओं का एक वैसा वोट बैंक बीजेपी या शिवराज मध्य प्रदेश में तैयार करना चाह रहे हैं। एक तरफ बुलडोजर की छवि भी है, सख्त प्रशासन की एक उदाहरण आपने दिया कि काम किस तरह से दबाव है, एक शर्मा जी ने किया कि आपको टाइम फ्रेम में काम करना होगा कि जो आपने टाइम लिमिट सेट किए उसमें आपको काम करना होगा, डिलीवर करना होगा। तो ये सारा हमको शायद इस दो दिन के मंथन में कुछ और नई चीज़ें निकल कर आएँ कि मुख्यमंत्री आखिर इसके आगे अलावा और चाहते क्या हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी ये सब चीज़ें निकल के आएंगी, जिस तरह से दबाव है जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, मैंने भी बताया कि एक अधिकारी ने किस तरह कहा कि कैसे दबाव है उन पर समय सीमा में काम करने का। रही बात मंथन के साथ साथ मनोज जी जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की झलक, उत्तर प्रदेश की झलक हम लगातार देख रहे हैं मनोज जी, जो तीन बार के टर्न के बाद जो शिवराज जी में जो बदलाव आया है कहीं ना कहीं यूपी की छाया उस पर दिखती है, चाहे लव जिहाद का कानून ले लीजिए, चाहे जो शासकीय संपत्ति की नुकसान पहुंचाने के पत्थरबाजी का कानून ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की जो छाया है, भले ही उत्तर प्रदेश जैसी मध्य प्रदेश में परिस्थितियां ना हो, वैसा ध्रुवीकरण ना हो, लेकिन बहुत कुछ मतलब मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की छाया दिखती है, उस तरह से वोट हासिल करने की कोशिश की जाती है। एक वोट बैंक तो कभी भाजपा का ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाती थी, कोई उसका कोर वोट बैंक था नहीं, कांग्रेस का अपना कोर वोट बैंक था, तो वोट बैंक तो उसने बनाया है, उसने देखिए आप हितग्राही के माध्यम से, चाहे मध्य प्रदेश में पिछली सरकारें देख लें भाजपा की जो शिवराज जी के नेतृत्व में ही रही, हितग्राहियों से कैसे आपने अटैचमेंट किया, सीधे आपने लाभ पहुंचाने के बाद उनको एहसास भी कराया, बकायदा सम्मेलन किए हितग्राही सम्मेलन, और जिस तरह से जो अन्न बांटने की बात की जा रही, जो अनाज बांटा जा रहा है, तो ये वोट बैंक तो तैयार किया है भाजपा ने, और इसके अलावा वोट को तोड़ा भी है। कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था, चाहे वो दलित हो चाहे आदिवासी हो, उसमें भी सेंध लगाई है। अब इसको बरकरार रखने की बात हो रही है कि कैसे बरकरार रखा जाए, 2018 में जो खिसक गया था और जिसकी दम पे कांग्रेस की सत्ता बन गई, सत्ता में पहुंच गई थी कांग्रेस, और लेकिन वो वोट बैंक स्थायी रूप से कांग्रेस के पास नहीं गया, हमने उपचुनाव में देखा है, उसी जोबट में देखा है कि जहां कांग्रेस के हाल ये थे, फिर बाद में देखिए आप किस तरह से जीत गई है बीजेपी। तो जो लगातार जो कार्यक्रम बन रहे हैं, जो हर वर्ग को साधने की, चाहे पिछड़े वर्ग को साधने की, चाहे आदिवासियों को साधने की, इसके साथ साथ दो मतलब जो रथ के दो पहिए होते हैं, एक विकास एक ध्रुवीकरण, तो विकास तो साथ साथ चल ही रहा है, बाकी के अन्य मुद्दों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो बुलडोजर वाले बुलडोजर मामा की जो छवि बनने की तैयारी है, एक सख्त प्रशासक की, क्योंकि शिवराज जी के बारे में कहा जाता है कि वो सहनशील हैं, भावुक हैं, और जल्दी मतलब कोई कठोर एक्शन नहीं लेते हैं, जिस तरह से योगी की हम बात करते हैं, योगी ने कठोर एक्शन लिए, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हुए, और उसका असर भी हमने देखा है, तो वो असर यहां दिखाई दे रहा है मनोज जी, काम में भी दिखाई दे रहा है आपको, और बाकी के जो कानूनी कार्रवाई है उसमें भी दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर ये 2023 में वैसा प्रशासन देने की बात कर रहे हैं कि देखिए हम विकास भी कर रहे हैं, सख्त प्रशासन भी है, कोई अपराध करेगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस किसी एक आदिवासी की हत्या हो जाती है, किसी दलित के साथ अत्याचार हो जाता है, तो कानून के मुद्दे को उछालती है, और वैसे भी जैसे यदि हम आंकड़ों में बात करें तो आंकड़ों के मामले में मध्य प्रदेश ऊपर है, टॉप पर है, यदि रेप के मामले देखें, हम हत्या के मामले देखें, चाहे अपराध के मामले, भले ही उसको आप शांति का टापू कहें, लेकिन उसकी एक वजह यह भी है कि यहां कोई भी जाता है आसानी से उसका अपराध दर्ज हो जाता है, तो आंकड़ों में बड़ा हुआ है। यदि कमिश्नर सिस्टम लागू हुआ मनोज जी मध्य प्रदेश के दो शहरों में, भोपाल इंदौर में, तो आप देखेंगे यदि 6 महीने बाद इसकी आप समीक्षा करेंगे तो अपराधों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि थाना प्रभारी जो होता है ना वो अपराध दर्ज नहीं करता, लेकिन जब सुपरविजन अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उनके पास आदमी पहुंचने लगते हैं, तो फिर अपराध दर्ज होने लगते हैं। तो आंकड़ों के आधार पर जो घेराबंदी करने की कोशिश करेगा विपक्ष, उसको इस तरह से कठोर, शायद ये फार्मूला सत्ता में भी लागू हो जाना चाहिए कि सुपरविजन का काम है वो तेज हो जाना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी शायद अच्छे से हो पाएगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो जिस प्रकार का चिंतन मंथन की बात की जा रही है, इसके पहले भी हमने देखा पचमणी में इसके इसी प्रकार के शिविर आयोजित हो चुके, एक बार कांग्रेस ने भी बड़ा चिंतन शिविर वहाँ आयोजित किया था, हालांकि उसके बाद कांग्रेस का जो साथ जो हो रहा है वो सबको मालूम है, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार की परंपरा है चिंतन मंथन की, और ये पचमणी में नहीं, हम देखते हैं लगातार जो भोपाल में हो या जहाँ भी बीजेपी का अपना संगठन है वहाँ इस प्रकार के चिंतन मंथन होते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जिससे शायद बीजेपी की 2023 की राह थोड़ी और आसान हो सकती है, और कांग्रेस को भी इससे सबक लेना चाहिए कि किस प्रकार से उनको संगठन को और सत्ता में जो शीर्ष पर लोग हैं उनको साथ मिलकर तालमेल के साथ चलना चाहिए और कैसे संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।